हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग दोस्तों? तो अभी हम लोग सो के उठे हैं भाई, और अभी झाड़ू वाड़ू सारा मार दिया हूँ। अभी देख सकते हो भाई, प्रिंस पूरा बकरियों के नीचे हर जगह झाड़ू वाड़ू सफाई कर दिया, तो पूरा भी मढ़ा साफ हो गया दोस्तों। अभी सबको खाना पीना देना है, तो अभी प्रिंस तैयार है। प्रिंस आज स्कूल है कि नहीं है? स्कूल जाओगे आज? हाफ डे हो जाए बहन, थोड़ी देर में 10 बज रहे। हाँ, क्या बने छुट्टी में होते? आज क्या बनेगा? चाहे जो बना लिया आपको मन। तो भाई कल गया था बाजार से लाया था कुछ सब्जियाँ, तो अभी हम लोग सब्जी तैयार कर लिए हैं। बर्तन तो धो के, अभी एक बर्तन पड़ा हुआ था धोने का, और इसको अभी लास्ट में धो लेंगे, क्योंकि हम लोग सुबह काम करते हैं, करते थक गए, सारा बर्तन धो के भी रखा हुआ है। तो दोस्तों अभी बनाने जा रहा हूँ तोरई। ये तोरई लाया दोस्तों, ये है तोरई, काट के रख दिया हूँ। और प्याज, टमाटर, मिर्चा, अभी लहसुन तो नहीं रखा, लहसुन खोल दिया तभी दोस्तों, लहसुन भूल गया निकलने के लिए, क्योंकि अभी खाना बनाना है और काम पे भी जाना है। तो हम फटाफट काम, सुबह उठे थे तो थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि रात को लेट में सोए थे तो सुबह नींद नहीं खुल रहा था, तो अचानक हम दोनों के नींद खुला, तो फटाफट हम लोग जागे और पूरा झाड़ू वाड़ू मार के रेडी हो गए दोस्तों। अभी इसको मिर्चा को पानी वानी देना था, लेकिन अभी इसको नहीं देंगे, क्योंकि अभी देख सकते हो सर्दी है, कल पूरा सींचा था, लेकिन साइड में अगर थोड़ा सा पानी नहीं मिलता तो सूखने लगता है। लेकिन अभी जितनी भी बकरी चर ली थी सारा पना पाया, अभी देखो नया नया पत्ता आ गया इसमें, और इसमें भी नया पत्ता आ गया, लेकिन मिर्चा सारा सुखा जा रहा है, क्योंकि अभी मिर्चा की ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा तोड़े नहीं, लेकिन मिर्चा बहुत ज़्यादा फरा हुआ है, अभी देख सकते हो कैसे फरा हुआ है। चलते हैं फटाफट खाना बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों काम पर निकलना है तो लेट हो जाएगा, तो ऑलरेडी अभी 7:30 बज गया है, तो फिर आज स्कूल लगता नहीं जाएगा, तो इसलिए हम भी तेज नहीं गए, क्योंकि आज 30 तारीख है, तो हाफ डे हो जाएगा, 10 बजे छुट्टी हो जाएगा, तो मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं फटाफट खाना बना लेते हैं, क्योंकि प्रिंस भाई लहसुन उकेर रहा है। तो दोस्तों मैं तेल डाल देता हूँ, तो लगता है तेल ज़्यादा हो गया, और खाना बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि अगर आप खाना बनाना पड़ता है, काम पे भी जाना पड़ता है, और तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, मजबूरी है, काम चला लेंगे। तो प्रिंस अभी गया है, किसी के यहाँ थोड़ा सा काम था तो वहाँ गया था, बुलाए थे तो वहीं पर गया है। तो दोस्तों फाइनली अभी खाना वाना बन के रेडी है, और भाई आज बनाया हूँ, अभी परोठा बना है बारीक जला जला, और चावल बन गया अभी देख सकते हो, और ये सब्जी बना हुआ है भाई, करारेदार दिख रहा है। तो चलते हैं निकल। तो दोस्तों फाइनली अभी सब्जी, खीरा, परोठा, चावल निकल।
दोस्तों आज ये यहाँ पे मिट्टी डालना है, तो अभी जो खाली है मिट्टी और इधर भी सारा खाली हुआ है, ये खराब लगा दोस्तों, तो यहाँ कुल मिट्टी डालना है। तो अभी हम प्रिंस जा रहे हैं खेत से मिट्टी खोदने के लिए, क्योंकि भाई अभी बहुत ख़राब लगता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे मिट्टी उट्टी डाल के। तो चलो आपको दिखाता हूँ कहाँ से मिट्टी डालना है, और यहाँ भी पूरा मिट्टी मिट्टी डालना दोस्तों, यहाँ भी बहुत जरूरी है मिट्टी डालना, और इधर से पूरा भी लॉक कर देना, बंद कर देना है, क्योंकि इधर से कीड़ा वीरा आ सकता है भी है। तो चलते हैं फटाफट लेके आते हैं मिट्टी हम प्रिंस, और फरवर वाले लिए हैं प्रिंस, अभी देख सकते हो। तो ये फड़वा लेके आए हैं, और वो क्या है जिसमें लाएंगे, तसला, एक तसला ले लेते हैं। तो चलो लेके आते हैं फटाफट भाई खेत से, और इसमें कम से 40-40 खेप लगेगा, 40 चक्कर लगेगा फिर। हाँ उबा तो भाई अभी ये तसला ले लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ यहाँ से माटी ले जाते हैं, और यहीं से भर लेते हैं यहाँ से। बहुत भर के ले जाना पड़ेगा अभी मिट्टी यहाँ से, तो प्रिंस उठवा देते हैं। तो भाई आराम से यहाँ से 30-40 खेप लगेगा। तो तो दोस्तों इसमें अच्छे से पीट दे रहे हैं, ताकि बढ़िया से इसमें अच्छा लगे। और इसमें दोस्तों अभी बहुत कुछ करना है, फूल वूल लगाना है, तो थोड़ा घर हमारा बेहतरीन दिखने लगेगा। वो बैठा रहा था सारा ईटा नीचे गिर जा रहा, क्योंकि इसको ईटा में खड़ा किया हूँ, अच्छे से भी देख सकते हो। तो फाइनली दोस्तों अभी सारा मिट्टी डाल दिया हूँ, अभी देख सकते हो ये पूरा ईंटक बराबर आ गया, और इसमें भी पानी डालना है ताकि ये अच्छे से बैठ जाएगा। और इधर भी भाई पूरा भर दिया, जितना भी मिट्टी था पूरा अभी डाल दिया हूँ अच्छे से, और इस साइड में भी चारों तरफ डाल दिया हूँ। और प्रिंस इसको भर के बकरी लेके चला गया, क्योंकि बकरी सुबह से नहीं खुली थी, तो काफ़ी चिल्ला रही थी, तो अभी वो चराने के लिए चला गया। तो अभी चलता हूँ, हम भी इसको बराबर करेंगे, पानी वानी डालेंगे अच्छे से, पूरे से पीट देंगे ताकि ये बैठ जाए, और इसमें फूल लगाने में आसान हो जाएगा। और अभी दीवार का काम स्टार्ट हो गया, अभी घर का काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ढेर हो जाएगा आस्ते आस्ते। तो ऐसा करता हूँ, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।